अल्लामा इकबाल की नज़म शाहीन और उसका तबसरा। मैं हूं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं चैनल गुलदस्ता मालूमात। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की नज़म शाहीन और उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करूंगा। नज़म शाहीन। किया मैंने उस खाकदा से किनारा जहां रिस्क का नाम है आबदाना, बयाबां की खिलवत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। न बादे बहारी न गुलची न बुलबुल, न बीमारी नगमाए आशिकाना, खयाबानियों से है परहेज़ लाजिम, अदाएँ हैं उनकी बहुत दिलबराना। हवाए बयाबा से होती है कारी, ख़वा मर्द की ज़रबदे आशिकाना। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कहे ज़िंदगी बाज़ की ज़ाहिदाना। झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये पूरब ये पश्चिम चकोरों की दुनिया, मेरा नीलगूं आसमां बेकराना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं, के शाहीन बनाता नहीं आशियाना। इस नसम में अल्लामा इकबाल ने शाहीन की वो खसूसियात बयान की हैं जिनकी बिना पर वो उनका महबूब बन गया है। शाहीन की तशबीह महज शाहराना तशबीह नहीं है। इस जानवर में इस्लाह फ़ख्र की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। खुददार और गैरतमंद है कि दूसरों के हाथों मारा शिकार नहीं खाता, बेताल्लुक़ है कि आशिया नहीं बनाता, बुलंद परवाज है, खिलवत पसंद है, तेज़ निकाह है। इस नज़म के लिखने से इकबाल का मकसद यह है कि मुसलमान नौजवान शाहीन की ये सफ़ात अपने अंदर पैदा कर सकें। शाहीन दूसरे परिंदों की तरह शहरों या देहातों में नहीं रहता और बाज़ परिंदों की तरह पिंजरे में रहकर दूसरों के सहारे ज़िंदगी बसर नहीं करता। वह इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि दूसरे उसे दाना पानी दें, और ना वो इस दुनिया में रहना पसंद करता है जहाँ उसे बिना मेहनत और मशक्क़त रिज़्क हासिल हो जाए। उसका रिज़्क आबो दाना नहीं है, बल्कि वो अपना रिज़्क अपनी कुव्वत बाजू से पैदा करता है। उसकी फितरत चूँकि ज़ाहिदाना है, इसलिए वो जंगलों और पहाड़ों में रहता है जहाँ ना बाग होते हैं, ना फूल, ना सयाद, ना बुलबुल के नगमे। वो गुलिस्ता में रहने वाले परिंदों और उनके नगमों से नफ़रत करता है, क्योंकि वो जानता है कि ऐश इशरत और रक़्स सरूर की ज़िंदगी का अंजाम अच्छा नहीं होता। इसके बजाय वो कोहिस्तान और बयाबान में रहता है, क्योंकि उनकी आबो हवा से उसके अंदर जवामर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। उसका जाविया निगाह आफाकी होता है, इसलिए वो किसी ख़ास मकाम में ज़िंदगी बसर नहीं करता। शाहीन की इन खसूसियात को मद्देनज़र रखने के बाद आप यकीनन इकबाल से इत्तेफाक करेंगे कि उसमें इस्लामी फ़ख्र की तमाम खसूसियात मौजूद हैं, और इसीलिए उन्होंने शाहीन की ज़िंदगी को नौजवानों के सामने बतौर नमूना पेश किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ मैं मोहम्मद नासिर अपने चैनल गुलदस्ता मालूमात के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।